श्री राघव चड्ढा सर, ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी द आम आदमी पार्टी, आई राइज टू स्पीक ऑन द सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। सर, सरल भाषा में कहूँ तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सरकार को जितना खर्च आवंटित किया गया था, वो सारा पैसा खर्च करने के बाद आज अतिरिक्त पैसा मांगने सरकार इस सदन के भीतर आई है। काश ये सुविधा देश के आम आदमी के पास भी होती सर, जो महीने की 25 तारीख को अपना बटुआ खाली देखकर 5 दिन संघर्ष करके 1 तारीख आने की इंतज़ार करता है। सर, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स दो चीज़ें में से एक अवश्य दर्शाता है। पहली चीज़, क्योंकि सरकार को अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो पहली चीज़ यह है कि जब वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सरकार को पैसा चाहिए था तो सरकार ने अपना जो वित्तीय बजट था उसे अंडर एस्टिमेट कर प्रेजेंट किया, ताकि वित्तीय घाटे को सुंदर करके उसका सौंदर्यकरण करके दिखाया जाए। अगर ये नहीं है तो दूसरी स्थिति अवश्य होगी कि सरकार ने अपना बजट पूरी तरीके से मिसमैनेज कर दिया। इन दोनों में से यदि कोई एक स्थिति उत्पन्न होगी, उसी में सरकार को एडिशनल पैसे की, अतिरिक्त खर्चे की जरूरत पड़ रही। सर, अतिरिक्त पैसे के लिए सरकार इस सदन के सामने आई है, कोई बात नहीं सर, उस पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा दो और विषयों पर होनी चाहिए। पहला विषय कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 40 लाख करोड़ का जो इतना भारी भरकम बजट इस सदन ने सरकार को सैंक्शन किया था, मंजूरी दी थी, उस 40 लाख करोड़ को खर्च करके सरकार ने क्या पाया, क्योंकि भारत देश के आर्थिक इंडिकेटर्स संकट का अलार्म बजा रहे हैं। और दूसरा, आज से 2-3 महीने बाद यहां से 100 मीटर दूर नॉर्थ ब्लॉक में जहां आने वाले वित्तीय वर्ष का बजट बन रहा है, आज ये बहस मैं चाहूंगा आने वाले वित्तीय वर्ष के बजट की भी नींव रखे। और सर, मैं नया सदस्य हूं, सदन का एक सुझाव और देना चाहता हूं। हम सारे लोग बजट पे चर्चा उसी समय करते हैं जब बजट प्रस्तुत किया जाता है। हमें सदन में 2 बार बजट पे चर्चा करनी चाहिए, एक बार जब बजट प्रस्तुत हो और विंटर सेशन में 7-8 महीने बीतने के बाद कि उस बजट से देश को हासिल क्या हुआ, मिला क्या, कितनी नौकरियां मिली, क्या बेरोजगारी की दर है, कितनी महंगाई कम हुई। सर, आज सरकार 3,25,757 करोड़ मांगने इस सदन के भीतर आई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान ये पैसे सैंक्शन करने से पहले और सदन का ध्यान इस पैसे को अनुमति देने से पहले, 8 बड़ी बीमारियां जिससे आज भारत देश की अर्थव्यवस्था पीड़ित है, बीमार है, उसकी तरफ करना चाहता हूं। पहली बीमारी है सर, बेरोजगारी। इस सरकार ने चुनावों से पहले वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे। सर, नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में बीजेपी की सरकार ने बेरोजगारी दर को 45 सालों में सर्वाधिक कर दिया। सर, 45 ईयर हाई पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कर दिया। सर, 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी, तब देश का बेरोजगारी दर 4.9% था। जब इनकी सरकार बनी थी तो बेरोजगारी दर 4.9% था। आज 8 साल बाद 2022 में ये बेरोजगारी दर 4.9% से बढ़कर 8% पे आ गया। 8%। और ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बेरोजगारी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब लॉसेस, एमएसएमई के कारखाने कितने बंद हो गए, उनका घर बिक गया, कारखाने बंद हो गए, उसका तो हिसाब ही सरकार के पास नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले लोकसभा में जवाब देते हुए वित्त मंत्री जी ने देश को बताया कि कुल 22 करोड़ आवेदन पत्र भारत सरकार के पास नौकरी मांगने के लिए आए। उन 22 करोड़ आवेदन पत्रों में से आपको जान के चंबा होगा, सरकार ने मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी दी। सर, 22 करोड़ आवेदन पत्र के मुकाबले 7 लाख लोगों को नौकरी। सर, हम लोग छाती चौड़ी कर कहते हैं कि हम युवा देश हैं, हम युवाओं का देश हैं, हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड पे गर्व है, फक्र है।
सर भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड बेरोजगारी के तले दबता जा रहा है, सड़कों पे लाठियां खा रहा है और भारत सरकार डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील करती जा रही है। सर ये सच्चाई है आज। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सरकार जिसने देश को युवाओं को घर पे बिठाने का काम किया, इसका नारा बदल के हो गया है हर घर बेरोजगार, यही है आज की भाजपा सरकार। सर मैं दूसरी बड़ी बीमारी जो इस भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूसरी बड़ी बीमारी है सर इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। इन्फ्लेशन को कहा जाता है सर, इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, वो महंगाई जो सरकार कानून लाए बिना जनता पे थोप देती है। सर आज भारत की महंगाई इस वित्तीय वर्ष में 30 सालों में सर्वाधिक थी सर, 30 ईयर हाई पे, जहां भारत की थोक महंगाई 12-15% के आसपास घूम रही है और खुदरा महंगाई 6-8% के आसपास घूम रही है। वादा किया था सर आय बढ़ाने का, आय तो बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई। और सर बढ़ती महंगाई और घटती कमाई के चलते आज देश को आधार कार्ड की नहीं उधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है, देश के आम आदमी को उधार कार्ड की जरूरत। और सर आज इस बहस को सुन रहे भारत देश के करोड़ों लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार आप सबको गरीब कर रही है। गरीब सिर्फ वो नहीं सर जो सड़क पे कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, हम सब गरीब हो रहे हैं। गरीब इसलिए हो रहे हैं कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। सर मैं उदाहरण देता हूं, एक शख्स जो 20,000 रुपए महीने के कमाता था और 18,000 रुपए खर्च करता था, वो महीने का 2,000 रुपए बचाता था। आज उसकी आमदनी 20 की 20 है, 20,000 है, लेकिन खर्चा 18,000 से बढ़कर 25,000 करोड़ हो गया, यानी कि 20,000 की आमदनी 25,000 का खर्च, 5,000 रुपए की नुकसान का खामियाजा का कर्जा देश का एक एक आदमी भुगत रहा है। सर मैं बताना चाहूंगा, सुनिए मेरी बात ध्यान से, जब 2014 में महंगाई का आलम देखिए सर, 2014 में जब ये सरकार बनी थी तो पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर पे बिकता था, आज पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पे बिकता है। डीजल 45 लीटर पे बिकता था 45 रुपए प्रति लीटर, वो डीजल आज 90 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है। सर एक गैस का सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था बाजार में 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, आज वो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया सर, 1100 रुपए का। दूध 1 लीटर 36 रुपए का मिलता था, दूध आज 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और सर सीएनजी 40 रुपए प्रति यूनिट प्रति केजी मिला करती थी, आज वो सीएनजी 80 रुपए प्रति यूनिट मिलती है सर। इस सदन में सर जब प्याज सर आपका प्रोटेक्शन चाहिए, आपका प्रोटेक्शन चाहिए सर, ये बात सही है सर, से देखिए सर आप, चलो बोलो सर, बोलो चलो बोलो 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 सर 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 जब जब देश में आई एम नॉट यील्डिंग बट सर इस देश में जब प्याज के दाम 100 रुपए प्रति केजी के ऊपर हो गए और इस सदन में हंगामा हुआ तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती, तो मुझे उनके भाव से प्याज की कीमतों से कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा विश्वास है सर कि माननीय वित्त मंत्री जी आटा चावल दाल दूध दही पनीर तो अवश्य खाती होंगी, क्योंकि इन सब के भाव बढ़ गए, जीएसटी लगा लगा के इन्होंने देश की थालीनॉमिक्स फूड इन्फ्लेशन को बिगाड़ दिया, आटा दाल चावल दूध दही सबके रेट आज स्काई रॉकेटिंग है सर, आसमान छू रहे हैं और भारत की फूड इन्फ्लेशन 10% से लेकर 17% के बीच पूरे वित्तीय वर्ष में मंडरा रही है। ये हालात हैं सर भारत की थालीनॉमिक्स की। मैं बताना चाहूंगा सर कि इस सरकार ने अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब करने का काम किया। पर कैपिटा इनकम किसी भी देश की आर्थिक स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। भारत की पर कैपिटा इनकम वित्तीय वर्ष 2021 में सर 9,160 रुपए से गिर गई, यानी कि हर व्यक्ति की औसतन कमाई 9,160 रुपए गिराने का काम किया, यानी कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, यह सरकार ने करके हम सबको दिया है सर। तीसरी बड़ी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी हुई है वो है आर्थिक सुधार का झांसा, द होक्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। इस वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में
भारत की आर्थिक विकास दर 13.5% थी। दूसरा क्वार्टर आते आते जिसे फेस्टिवल क्वार्टर कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े त्योहार आते हैं, जिसमें खपत भी बढ़ती है, उत्पादन भी बढ़ता है, मांग भी बढ़ती है, उस क्वार्टर में आर्थिक विकास दर 13.5% क्वार्टर वन के मुकाबले गिरकर 6.3% पे आ गई सर, यानी कि आधी हो गई। और अगर आप पिछले साल के क्वार्टर सेकंड से दूसरी तिमाही से कंपेयर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2021 में 8.4% दूसरी तिमाही की ग्रोथ थी और इस बार इस क्वार्टर में जो अभी समाप्त हुआ 6.3% है, यानी कि भारत की आर्थिक दर, आर्थिक विकास दर घटती जा रही है। और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जब वित्त मंत्री जी फरवरी में वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट प्रेजेंट करेंगी तब भारत की चौथी तिमाही की आर्थिक विकास दर 5% से भी नीचे होगी, विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन रीसेंट टाइम सर। यह भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की हालत है। और यह वर्ष तो जो बीत गया, इस वर्ष तो आपने आर्थिक जो विकास दर था उसकी ऐसी तैसी कर दी, अगले साल के आर्थिक विकास दर के आंकड़े सुनिए। सरकार चाहती है हम 8% पे आगे बढ़े, वर्ल्ड बैंक कहता है वित्तीय वर्ष 23-24 में हम मात्र 6% पे ग्रो करेंगे, क्रिसिल कहता है हम 6% पे ग्रो करेंगे, ओईसीडी कहता है हम 5.7% पे ग्रो करेंगे, गोल्डमैन सैक्स कहता है हम 5.3% पे ग्रो करेंगे और आईएमएफ कहता है हम 5.1% पे ग्रो करेंगे, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में ऊपर जाने की बजाय हमारी व्यवस्था नीचे आ रही है सर। सर चौथी और एक बड़ी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है वो है द डेट क्राइसिस, भारत सरकार की देनदारी, भारत सरकार पे चढ़ा बहुत बड़ा कर्ज। सर 1947 से लेकर 2014 तक, यानी कि इन 67 सालों में कई पार्टियों की सरकारें रहीं, केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया, इन 67 सालों में तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए, यानी कि एक तरफ 67 सालों का 55 लाख करोड़ का कर्जा और इस सरकार ने अकेले 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी भी नहीं बांटते, ये तो मुफ्त की रेवड़ी में भी विश्वास नहीं रखते, तो फिर इनका कर्जा इतना कैसे बढ़ता जा रहा है, ये पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, दोस्तवाद की नीति के तहत कौन से इनके दोस्त है जिन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये मैं पूछना चाहता हूं सर। सर 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो 40% था, मात्र 40%। आज गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो इस देश में 90% छू रहा है सर, 90%। और इस देश की डेट की स्थिति बढ़ाकर 1,55,000 करोड़ का कुल कर्जा इस देश ने लिया सर। सर पांचवी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी हुई है, पांचवा बड़ा रोग, किसानों का संकट। सर मैं बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के, अपने दोस्तों के बड़े बड़े लोन्स इन लोगों ने माफ कर दिए, लेकिन भारत देश के किसान की जो कर्जा था, जो डेट था, वो पिछले 8 सालों में 53% बढ़ा है, कम नहीं हुआ सर, 53% इंक्रीज हुआ है, जिसके चलते आज एवरेज फार्मर डेट, पर फार्मर डेट इस देश की 74,000 रुपए, यानी कि 74,000 रुपए का कर्जा आज देश के हर किसान के सर पर है सर। अगर किसान अपना कर्ज का भुगतान नहीं करता तो उसके नाम के नोटिस चिपकाकर किसान की बदनामी करती है यह सरकार, और बड़े बड़े उद्योगपति जो लाखों करोड़ रुपए डकार गए उन्हें बिजनेस क्लास में बिठा के देश से रवाना करती है सर यह सरकार। सर आज हमारा देश का अन्नदाता, देश का किसान जो हमारा पेट भरता है, जो हमें खाना देता है सर, आज वो जहर खाने को मजबूर हो गया है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में 10,851 किसानों ने आत्महत्या करी, यानी कि इस देश में औसत रोज के 30 किसान आत्महत्याओं की आती है, 30 किसान रोज इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं एंड 30 फार्मर्स पर डे इन दिस कंट्री कमिट सुसाइड सर। सर मैं अपने ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे मित्रों को यह भी कहना चाहूंगा कि किसान भोला है, भुलक्कड़ नहीं है, वो ये नहीं भूला कि एक साल आपने उसे खुले आसमान में सड़कों पे आंदोलन करने के लिए उतारा था जिसमें 800 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई सर। और सर किसानों के बारे में मैं एक आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं,
किसानों की आय दुगनी करने का वादा है सरकार ने किया था कि हम बढ़ाएंगे और दुगनी करेंगे। आय दुगनी करना तो छोड़ दीजिए, स्टैंडिंग कमिटी ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट बताती है कि 4 से ज्यादा राज्यों में आय बढ़ाना तो दूर, 30% किसानों की आय घट गई। सर बढ़ाना तो दूर की बात, आय किसान की घटाने का काम इन लोगों ने किया। और एक ऐसे दौर में, एक ऐसे दौर में जब भारत की रूरल इन्फ्लेशन भारत की अर्बन इन्फ्लेशन से ज्यादा है, यानी कि गांव में रहना महंगा है शहरों के मुकाबले। सर मैं छठी बीमारी पे आता हूं, जो छठी बीमारी भारत की अर्थव्यवस्था को लगी हुई है सर, वो है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में गिरावट। दो बड़े फायदे इस सरकार ने कॉरपोरेट जगत को दिए। पहला, कॉरपोरेट टैक्स कम करके 30% से घटाकर 22% कर दिया, जिसमें 1.5 लाख करोड़ का फायदा, 1.5 लाख करोड़ का फायदा कॉरपोरेट्स को दिया, और साल सरकार का हर साल का 1.5 लाख करोड़ का नुकसान कराया। और दूसरा बड़ा फायदा, अपने दोस्तों के उद्योगपतियों के पिछले 5 वित्तीय वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर देने, वो माफ कर देने। ये दो बड़े फायदे उन्होंने, रियायतें। ऑनरेबल मेंबर, यू हैव ट्वाइस मेड ऑब्जर्वेशंस अपने दोस्तों के, आई हैव टेकन नोट ऑफ इट। दीज आर वन सेकेंड, कांट यू कीप ऑन, कीप योर सीट। ऑनरेबल मेंबर जया बच्चन रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू, आई वॉन्टेड टू रिफ्लेक्ट टू इट आफ्टर यू हैड कंक्लूडेड, बट सिंस यू हैव कंटिन्यूड विद द टू इंडिस्क्रिशंस, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, एवरीथिंग विच यू से हियर लीड्स टू कॉन्सिक्वेंसेस। एज रिगार्ड्स वॉट द ऑनरेबल मेंबर सेड, इफ समवन इज स्पीकिंग, वेर इज द ओकेजन टू मेक अ शाउटिंग ऑफ दैट काइंड, I deprecate this, whether it is from this side or that side. Thank you, sir. Everyone is entitled to patient hearing, and let us not show aggression except in our thought process. Both sides are there, so be careful about it. Go ahead. Sir, ye do fayde pahunchane ke baad, कॉर्पोरेट जगत को फायदे पहुंचाने के बाद, जब सरकार से पूछा गया कि आपने ये फायदे क्यों दिए, तो सरकार कहती है इससे रोजगार उत्पन्न होगा। रोजगार तो उत्पन्न हुआ नहीं सर, भारत में आज बेरोजगारी की दर 45 साल में सर्वाधिक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी बाजार में, महंगाई की दर 30 साल में सर्वाधिक है, महंगाई भी कम नहीं हुई। और तीसरी चीज जो सरकार हमें बताती है कॉर्पोरेट जगत को ये फायदे देने के लिए, कि प्राइवेट निवेश इस देश में बढ़ेगा। सर मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट निवेश क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 20% से घटा है।